देखो बीआरसी एग्जामिनेशन में जो कास्ट सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है, तो उसमें ये बात है कि बीआरसी एग्जाम में कास्ट का कोई अलग से बेनिफिट नहीं मिलता, अनलेस एंड अनटिल जो एज रिलैक्सेशन होता है वो मिलता है। कि एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड इंटरव्यू, इसमें कास्ट का कोई रोल नहीं है। तो अगर आप एप्लीकेशन में अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट एट्सेट्रा मेंशन करते हो और आपको वो बेनिफिट चाहिए, सपोज आपको एज रिलैक्सेशन के बेनिफिट कास्ट के बेसिस पर नहीं चाहिए, तो यू कैन स्किप गिविंग द कास्ट नंबर एंड डेट, इशू डेट नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। बट सपोज अपने एक केस ऐसा हो सकता है कि आप वो बेनिफिट ले रहे हो कास्ट का, एज रिलैक्सेशन का, एक्चुअली अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता तो आपका जो अभी एज है तो उसमें आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं थे। अगर आप जनरल उस कास्ट के ना होते तो, अगर जनरल होते तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते। अगर आप कास्ट का ये बेनिफिट ले रहे हो तो डेफिनेटली एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंड जो डेट है वो डालना पड़ेगा, एंड आपको वही डॉक्यूमेंट शो करना होगा। वो ऐसे बैठ के एक एक नंबर मिलाते हैं उसको, एंड नाम का स्पेलिंग, सरनेम का स्पेलिंग, सर्टिफिकेट नंबर सब वो बैठ के ओरिजिनल के साथ मैच करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। बट अगर आप ऐसे हो कि अगर आप ऐसे बेनिफिट नहीं ले रहे हो, कास्ट की बेनिफिट आप नहीं ले रहे हो, मतलब आपकी एज रिलैक्सेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक केस हो सकता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट एंड एट्सेट्रा वो सब मेंशन किया हो, और एक केस हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपने वो सब फॉर्म फिल नहीं किया, कास्ट का जो डिटेल्स है वो फिलअप नहीं किया। अगर आपने नहीं किया फिलअप तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा नहीं जाएगा। अगर आपने फिलअप किया हो, भले ही आपने मेंशन ना किया हो वहाँ पर, ठीक है, कि आपको मतलब आप वो बेनिफिट नहीं ले रहे हो, कास्ट सर्टिफिकेट का बेनिफिट नहीं ले रहे हो, बट एप्लीकेशन फॉर्म में आपने मेंशन किया है कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर और डेट, तब आपको शो करना होगा एंड वो मैच होना चाहिए वो नंबर एंड डेट। ओके, एंड अगर आप मैच नहीं करा पाते और कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक फॉर्म देते हैं जिस फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है उस डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा हुआ होता है। वो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो बाद में वो डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करना होता है एक पर्टिकुलर डेट के अंदर, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू के बाद तो। बट अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल्स फिलअप नहीं किया है तो आपसे नहीं मांगा जाएगा। बट आपके पास है, आपने फिलअप नहीं किया था फिर भी आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लेके जाना साथ, सब डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाना, ठीक है। पता नहीं कब क्या पूछ लें, मैंने भी जैसे उन लोगों ने जो लिस्ट दिया था उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डॉक्यूमेंट अरेंज किया था, पर बाद में एक दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे बोला था कि ये भी लेके आओ, ये भी लेके आओ, तो मैंने बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया था तो वह से मैंने ला कर दिया था। वहाँ पर जेरोक्स मशीन लेके भी एक बंदा खड़ा हुआ होता है कि जो प्रिंट आउट वगैरह करके देते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो यही है कास्ट सर्टिफिकेट का इशू बीआरसी एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हो पाता तो मैंने तो किसी को नहीं देखा कि कोई इंटरव्यू के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। बट जिस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है या आपके पास नहीं है, किसी फॉल्स डॉक्यूमेंट शो मत करना क्योंकि इसमें ये गलती है, ये गलती है, तो मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट का नंबर, सब कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आपने कुछ और फिलअप किया हो, आपके पास कुछ और है, तो ऐसे शो मत करना, तो मे भी कैंसिल हो सकता है। बट मैंने किसी का नहीं देखा कैंसिल होते हुए। वो क्या करते हैं, एक फॉर्म दे देते हैं, उस फॉर्म में टिक मार्क करना होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो उसमें लिखा हुआ एक डेट के अंदर, अंडरटेकिंग फॉर्म बोलते हैं उसको, तो उसमें उस डेट के अंदर आपको प्रेजेंट करना होगा अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। बट इंटरव्यू आपका होगा, अगर आप गए हो तो इंटरव्यू होगा। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट, आप इनमें से कौन से कैटेगरी में आते हो, आप कास्ट सिस्टम का, एक्चुअली अगर आप एज का रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले रहे हो तो कास्ट का कोई मतलब नहीं है। मोस्टली जो साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं इस पोस्ट में, मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट सी इसमें, तो कास्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। बट अगर कोई अलग से एप्लीकेशन आता है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हो कि इस कास्ट के लिए इतना पोस्ट है तो उसमें बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आप ये बेनिफिट उठा रहे हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा आपने, अगर कास्ट का डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में डाला हो तो। ओके, थैंक यू।